गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं अल्कोहल फिनोल की हम रिएक्शन पढ़ रहे थे, केमिकल रिएक्शन। कल हमने कुछ रिएक्शंस पढ़ी थी, प्राइमरी अल्कोहल का, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, प्राइमरी अल्कोहल की कॉपर 573 के साथ रिएक्शन, सेकेंडरी कॉपर 573 के साथ रिएक्शन, टर्शियरी कॉपर 573 के साथ रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके लिए याद करो थोड़ा सा पिछला चैप्टर, उसमें भी रिएक्शन थी। पहली रिएक्शन थी हैलोजिनेशन, ध्यान दे भाई, पहली रिएक्शन था हैलोजिनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जब भी बात करेंगे तो पहला रिएक्शन है हैलोजिनेशन। ध्यान दे, हैलोजिनेशन में क्या होता था, मान ले मैं पिछले रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, ये रिएक्शन नहीं भाई, क्लोरोबेंजीन में भी हमने ऐसी रिएक्शन पढ़ी थी, जब हम Cl2 हैलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 ऐसी रिएक्शन हमने जानी थी। तो एक बार Cl यहाँ ऊंटो के ऊपर लगा था, एक बार Cl पैरा के ऊपर लगा था, एक बार Cl ऑर्थो के ऊपर लगा था और एक बार Cl पैरा के ऊपर लगा था बेटा। इसका नाम क्या था, हैलोजिनेशन रिएक्शन नाम था। तो यहाँ इस बार कौन है, फिनोल है, Cl की जगह कौन है भाई, OH है। Cl की जगह कौन है, OH है। Cl की जगह कौन है, OH है भाई। बन गई रिएक्शन, कुछ नहीं है, पिछले रिएक्शन सेम एज इट इज। हैलोजिनेशन में हैलोजिनेट होता है डॉक्टर एंड पैरा पोजीशन के ऊपर। आगे बात समझ में। नेक्स्ट जो रिएक्शन पढ़ी थी आपने कौन सी, नाइट्रेशन। नेक्स्ट जो रिएक्शन थी वो कौन सी थी, नाइट्रेशन। जो दूसरी रिएक्शन थी वो कौन सी थी, नाइट्रेशन। देखो नाइट्रेशन के अंदर किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, HNO2 के साथ या कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। ये फिनोल है, मैंने इसमें क्या डाल दिया, कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते, तो इस रिएक्शन का नाम पड़ जाता है नाइट्रेशन। थोड़ा सा H2SO4 भी डाल सकते हैं। तो एक बार NO2 कहाँ, ऑर्थो के ऊपर, एक बार NO2 कहाँ, पारा के ऊपर, एक बार NO2 ऑर्थो के ऊपर, एक बार NO2 पारा के ऊपर। इस रिएक्शन का क्या नाम है, नाइट्रेशन रिएक्शन नाम है बेटा। इस रिएक्शन का क्या नाम है, नाइट्रेशन नाम है, ठीक है। अगर डाइल्यूट HNO3 लिखेंगे तो ऐसा होगा, कंसंट्रेटेड लिख देंगे, यहाँ हमें डाइल्यूट HNO3 लेना पड़ेगा। अगर इसी रिएक्शन को मैं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करवा दूं, तो इसका नाम बनेगा, ये जो NO2 है ये बहुत ज्यादा मात्रा में होगा और तीनों पोजीशन के ऊपर लग जाएगा। NO2 ज्यादा मात्रा में होगा और ये तीनों पोजीशन के ऊपर NO2 लग जाएगा। इसका नाम है कॉमन नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉमन नाम है इसका पिक्रिक एसिड। कॉमन नाम है इसका पिक्रिक एसिड, इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। इसका जो साल्ट का नाम है वो क्या है, पिक्रिक एसिड है भाई। वैसे 2.4.6 ट्राइनाइट्रो फिनोल, ये IUPAC नेम है इसका, कॉमन नेम बताया, बहुत फेमस है पिक्रिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट हैलोजिनेशन मैंने बताया, अगर हैलोजिनेशन का एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, हैलोजिनेशन का PR2 के साथ रिएक्शन करवाता हूं, ध्यान दे भाई, हैलोजिनेशन का एक और एग्जांपल लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए हम Br2 के साथ रिएक्शन करवा दें, ये OH है, इसका रिएक्शन करवा दिया मैंने Br2 के साथ, किसके साथ, Br2 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ CS2, इन प्रेजेंस ऑफ CS2, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, जो CS2 है ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है,
273 केल्विन टेम्परेचर। तो जो प्रोडक्ट बनता है बेटा वो ये बनता है कि ये OH है, एक बार Br यहाँ, एक बार Br यहाँ। ये जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है ये बेंजीन रिंग को ज्यादा आयोनाइज नहीं होने देता, इसलिए तीनों पोजीशन के ऊपर Br नहीं लगता। अगर मैं रिएक्शन ऐसे लिख दूं और एरो के ऊपर कुछ भी ना लिखूं, इसी रिएक्शन को मैं अगर ऐसे लिख दूं Br ओ फिनोल प्लस 3Br2 और एरो के ऊपर कुछ ना लिखूं, तो जो ब्रोमीन है वो तीनों जगह लग जाएगा भाई। ब्रोमीन जो जिस प्रकार NO2 ग्रुप लगा था बेंजीन रिंग के ऊपर, Br बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाएगा। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है भाई, ये जो CH2 है, ये CH2 कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ये बेंजीन रिंग को आयोनाइज नहीं होने देता, जिस कारण से केवल मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है। मोनो का मतलब एक Br लगेगा, या तो ऑर्थो के ऊपर या पैरा के ऊपर लगेगा। मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मोनो मीन्स एक, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा भाई। आगे बात समझ में, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बात आप जान गए होंगे कि रिएक्शन होती कैसे है, क्या क्या होता है। फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन भी लिख सकते हैं इसका, फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन भी लिख सकते हैं। अगर फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन लिखेंगे तो CH3Cl के साथ रिएक्शन करवा देंगे और CH3COOCl के साथ रिएक्शन करवा देंगे भाई। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है कोल्ब रिएक्शन, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ना। नेक्स्ट जो दो रिएक्शन आएंगे कोल्ब रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, नेम रिएक्शन है कोल्ब रिएक्शन। कोल्ब रिएक्शन में हम क्या पढ़ते हैं कि फिनोल है ये NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो बना लेता है NaOH। ये जो फिनोल है सबसे पहला इसका रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ, यहाँ से H2O बाहर हो जाता है और बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाता है ONa। अब इसका रिएक्शन करवाते हैं CO2 के साथ और दूसरे स्टेप में थोड़ा सा HCl डाल देते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो ये वाला बनता है बेटा, ये OH बनता है और यहाँ लग जाता है COOH, क्या लग जाता है COOH, या क्या लग जाता है COOH, इसका कॉमन नेम है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड कॉमन नेम है भाई इसका सैलिसिलिक एसिड। वैसे क्या होगा इसका 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोल सकते हैं इसको, 2 हाइड्रोक्सी, क्योंकि दो फंक्शनल ग्रुप है। आपने रूल पढ़े थे को हम क्या मानते हैं, प्रिंसिपल मानते हैं, दूसरे को सेकेंडरी मानते हैं। तो OH और COOH में कौन प्रिंसिपल है, COOH ग्रुप प्रिंसिपल है, OH क्या है सेकेंडरी ग्रुप है, तो इसको क्या लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब बात ये हो सकता है कि आपके माइंड में बात चल सकता है कि रिएक्शन हुआ कैसे होगा, ये रिएक्शन हुआ कैसे होगा, आपके माइंड में ये बात चल सकता है। CO2 का जो स्ट्रक्चर है वो मैं कैसा लिख सकता हूँ भाई, C(O) और O ऐसा स्ट्रक्चर होता है। जो स्ट्रक्चर होता है CO2 का वो किस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है। आगे बात समझ में, जो CO2 का स्ट्रक्चर होता है वो किस टाइप का, क्या करेगा, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ डोनेट हो जाएगा। ध्यान दे भाई, देख बना क्या, ध्यान दे, मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ भाई।
जनरली मैकेनिज्म आपके लेवल की बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि रिएक्शन हुआ कैसे, कि प्रोडक्ट बना कैसे। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, आपने कुछ नहीं करना भाई, आपने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो क्या बनेगा, नया बॉन्ड बन जाएगा ONA। ये डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड खत्म हो गया और बन गया क्या, सी ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ। इतनी बात आ गई भाई समझ में। अब इसकी एरोमेटिसिटी भंग हो गई, इस बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी भंग हो गई, क्योंकि प्रत्येक बेंजीन के साथ क्या लगा है, एक हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन अपना बलिदान देगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, क्योंकि एरोमेटिसिटी बनी रहनी चाहिए, एरोमेटिक हकल रूल के अकॉर्डिंग टू एन प्लस फोर पाई इलेक्ट्रॉन। ये जो रूल है ये फॉलो होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, 4 पाई प्लस 2n, जो हक्कल रूल था वो फॉलो होना चाहिए, हक्कल रूल फॉलो होना चाहिए, हक्कल रूल फॉलो होना चाहिए। तो ये बेंजीन रिंग एरोमेटिसिटी खो दिया, तो इसके लिए हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ डोनेट कर देगा भाई, और किस रूप में बाहर होगा, H प्लस के रूप में बाहर होगा, और वो H कहाँ जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो देख प्रोडक्ट क्या बन गया, प्रोडक्ट क्या बन गया, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये ओ एन ए, और ये क्या बन गया, सी डबल बॉन्ड ओ एच। कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐसे तो लिखते हैं, या तो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें। अब क्या डाला गया इसमें दूसरे स्टेप में, थोड़ा सा HCl, HCl क्या करेगा भाई, NaCl बाहर और यहाँ H माइनस NaCl हो जाएगा, और यहाँ कौन लग जाएगा, H फिनोल बन जाएगा, ऊपर OH लग गया और COOH है। ये मैकेनिज्म है कि रिएक्शन हुआ ऐसे, रिएक्शन के अंदर जो बातें चली वो इस टाइप की चली भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो नेक्स्ट रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइमन टाइमन रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन, कोल्ब रिएक्शन था, इससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हरियाणा बोर्ड में तो इसके सामने बोर्ड में कितनी बार आया है, वो लाइन नहीं टूटती, तीन चार लाइन में लिखा हुआ 2008, 2009, 2010, 2011 हर बार किसी ना किसी सेट में राइमर टाइमन रिएक्शन दिखाई देता है, किसी ना किसी रूप में राइमर टाइमन रिएक्शन दिखाई देता है। राइमर टाइमन रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन। देखिए इसमें होता क्या है, फिनोल है वो क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, जो फिनोल है वो क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CHCl3। ये फिनोल है रिएक्ट करता है CHCl3 प्लस NaOH, CHCl3 प्लस NaOH इसके साथ रिएक्ट करता है। आई बात समझ में, इसके साथ रिएक्ट करता है ये, इतनी बात आप समझ गए होंगे, इतनी बात आप समझ गए होंगे कि किसके साथ रिएक्शन करता है, NaOH के साथ। इसका मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख देता हूं एक बार, सबसे पहले जो आपकी बुक में लिखा हुआ वही लिख देता हूँ, उसके बाद इसका मैकेनिज्म का बात करूंगा मैं, मैकेनिज्म हुआ कैसे, ONA बनेगा और यहाँ CHCl2, अब इसमें डालेगा वो NaOH और डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख देगा, थोड़ा सा Cl डाल देगा और डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख देगा, जो बनता है वो CHO, इसका नाम है सैलिसिलिहाइड। सैलिसिलिहाइड 2-hydroxybenzaldehyde इसका नाम है, या फिर कॉमन नाम सैलिसिलिहाइड।
उसका नाम एसिड था तो सैलिसिलिक एसिड, इसका नाम सैलिसिलडिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप है तो सैलिसिलडिहाइड। दोनों कॉमन नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक नंबर में पूछा गया, ऊपर ये स्ट्रक्चर दे दिया और पूछा गया व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर, नीचे चार ऑप्शन मिले थे, सैलिसिलडिहाइड इज राइट ऑप्शन। Now we will discuss the mechanism of this reaction. Now we will discuss the mechanism of this reaction. How this reaction take place? Mechanism देखिए इस reaction का, mechanism जरूरी नहीं है भाई, बता देता हूँ मैं आप केवल सीधा reaction को याद रख सकते हैं, mechanism मैं समझने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपकी understanding power बन जाए। देखो सबसे पहले यहाँ से CHCl3 और OH नेगेटिव में बहस होती है, NaOH क्या देगा, OH नेगेटिव, क्लोरोफॉर्म आपस में रिएक्ट करते हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक OH क्या भार होता है H2O और बनता है CCl3 नेगेटिव, क्योंकि H गया है तो कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ से जो बॉन्ड है ये इनके बीच में क्लोरीन के बीच में, एक क्लोरीन यहाँ से अलग हो जाता है और CCl2 बचता है प्लस सीएल नेगेटिव, इसको बोलते हैं कार्बीन, इसको बोलते हैं भाई कार्बीन, कार्बीन बोलते हैं, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का पेयर है और सीएल टू आपने 11th क्लास में पढ़ा हो तो कार्बीन बोलते हैं इसको। अभी कार्बीन क्या करता है, अभी कार्बीन क्या करता है देखिए ध्यान दीजिए भाई, NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे, मैं डायरेक्ट इसको ONa लिख लेता हूँ, प्लस CCl2 के साथ रिएक्शन करता है, ये प्लस किसके साथ रिएक्शन करता है भाई, CCl2 के साथ रिएक्शन करता है, CCl2 के साथ रिएक्शन करता है तो होता क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, पिछली तरह से सेम तरह से बेंजीन रिंग अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देगा, तो ध्यान दीजिए भाई, ध्यान दीजिए भाई, बेंजीन अगर इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो देखिए बॉन्ड कैसा बन जाएगा, देखिए भाई बॉन्ड कैसा बन जाएगा, ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ क्या लग गया CCl2, ये वाला डबल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड है, यहाँ क्या है ONa है, पिछली बार की तरह से यहाँ क्या हो गई एरोमेटिसिटी, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देते हुए यहाँ, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड बन गया, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ ONa और क्या बन गया CHCl2, क्या बन गया CHCl2, ऊपर वाले रिएक्शन को हटा रहा हूँ, इस बात को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ भाई, क्या बन गया देखो इसको यहाँ लिख लेता हूँ, आपने आगे जारी रखना अपनी कॉपी में, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ कौन है ONa है, यहाँ कौन है CHCl2 है, अब इसमें 2NaOH डालेंगे भाई, देखिए 2NaOH डालेंगे तो दो सोडियम है, दो क्लोरीन है, 2NaCl भार हो जाएंगे और यहाँ कौन लग जाएंगे, दो OH ग्रुप लग जाएंगे भाई, ध्यान दे भाई ये ONa है, इसको डबल बॉन्ड ही रहने देता हूँ, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ONa, यहाँ क्या बन गया भाई CH और दो क्या लग गए OH, माइनस 2NaCl बाहर हो गया भाई। अब मैंने कल ही बोला था कि एक कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते, एक कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते, यहां से क्या बाहर हो जाएगा H2O बाहर हो जाएगा, देखिए बचेगा क्या ONa और क्या बचेगा CHO, H2O बाहर हो गया, अब इसमें थोड़ा सा HCl डाल देंगे तो क्या बनेगा NaCl बाहर, यहाँ OH लग जाएगा भाई, सैलिसिलडिहाइड बनेगा OHCHO, ये है रेमन टेमन रिएक्शन का मैकेनिज्म, रेमन टेमन रिएक्शन का मैकेनिज्म की रिएक्शन हुआ कैसे, कि आपके साथ हुआ क्या, उसके किस स्टेप से रिएक्शन हुई, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, किस टाइप से बॉन्ड बने, वो सारी चीजें दिखाता है मैकेनिज्म,
कि उस रिएक्शन का मैकेनिज्म इसके थ्रू गया, हम डायरेक्ट रिएक्शन भी याद रख सकते हैं, मैकेनिज्म को भी समझ सकते हैं। तो ये दो रिएक्शन के मैकेनिज्म लिखे मैंने, एक रिएक्शन का कल लिखा था डिहाइड्रेशन का, और एक हाइड्रोहैलोजनेशन का रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखा था। तीन चार मैकेनिज्म लिखे हैं, आप लिख के देखेंगे बार बार तो बात बन जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें इतना हार्ड नहीं है, एक बार आप अगर आप देखोगे अच्छे से तो बात बन जाएगी भाई। धन्यवाद, आज की क्लास समाप्त होती है।